अर्जुनी में घोड़े पर चढ़ा इश्क या बुखार। सड़क अर्जुनी तहसील के डुगीपान थाना अंतर्गत आने वाला कोकंटोला इलाके के तालाब पर कपड़े धोने हेतु जा रही नवविवाहिता महिला पर ग्राम निवासी एक सदाराम नामक एक 65 वर्षीय बूढ़े की नजर गई तो उसके मन के भीतर ही शैतान जाग उठा। सुने मौके का लाभ उठाकर उसने महिला की कलाई तक पकड़ ली। जब महिला ने प्रतिकार करते हुए कलाई झटकी तो खुद से बूढ़े ने महिला की साड़ी का पल्लू खींचकर उसे अपमानित करने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर वृद्ध आरोपी के खिलाफ 354 का जुर्म दर्ज किया है। मामले की जांच पाहवार डोंगरवार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गोंदिया में आचार संहिता का हो रहा है कड़ाई से पालन। अब तक 44 लाख की शराब पकड़ी गई है और शराब जब्त और 13 लाख नकदी पकड़ी गई। गोंदिया विधानसभा आम चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य उत्पादन शुल्क तथा पुलिस विभाग की विभिन्न टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब अड्डों व शराब की ट्रैफिकिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी घोषणा के बाद से ही आचार संहिता की घोषणा के साथ 21 सितंबर से लेकर अब तक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तथा पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के संबंध में 299 मामले दर्ज किए हैं। वहीं गोंदिया के ही देवरी की छात्रा की संदेहास्पद मौत हुई है। देवरी के वार्ड क्रमांक 3 की निवासी मनीषा नामक 14 वर्षीय छात्रा की तबीयत 15 अक्टूबर देर रात बिगड़ने पर उसे उपचार हेतु परिजनों ने KTS अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 16 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर सचिन बारई द्वारा जारी किए गए मेमो तथा फिरियादी पुलिस नायक तिवारी की शिकायत पर देवरी थाने में 18 अक्टूबर को 174 का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।